क्या बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं? ध्यान दें कि जोड़ने व घटाने में एक घात वाले पद साथ रखे जाते हैं, गुणा में पदों की घातें जुड़ जाती हैं। अतः बहुपदों में जोड़ना, घटाना व गुणा सब हमने किया है और देखा है कि यह कैसे होता है। क्या जिस तरह बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा होता है, हम बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं? भाग करते समय पदों व उनकी घात का हिसाब कैसे रखेंगे? यह सब सोचने से पहले यह देखें कि आखिर बहुपदों के भाग की आवश्यकता कब होती है। इन परिस्थितियों को देखें। प्रश्न एक, एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। हल, कार द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी बराबर x किलोमीटर तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 4 घंटे। चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसलिए चाल बराबर हमारे पास दूरी है x और समय है 4, तो इस तरह से हमें चाल प्राप्त होगा x बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यह भाग सरल है क्योंकि एक पद वाले बहुपद का एक पद वाले स्थिरांक बहुपद से भाग है। यह इस प्रश्न का हल है। प्रश्न दो, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x^2 वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी? हल, आयत का क्षेत्रफल 40x^2 वर्ग मीटर आयत की लंबाई बराबर 10x मीटर। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास है 40x^2 बराबर लंबाई हमारे पास है 10x गुणित चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। इसीलिए चौड़ाई
बराबर 40 एक्स की घात 2 बटा 10 एक्स होगा। अब हम 40 एक्स की घात 2 को गुणा के रूप में तोड़ के लिखेंगे, 4 गुणित 10 गुणित एक्स बटा 10 एक्स बराबर, यहाँ 10 और 10 का को काट लेंगे, 10 एकम और एक एक्स कटेगा, तो हमें प्राप्त होगा 4 एक्स। तो इस तरह से हमारे पास चौड़ाई जो है 4 एक्स मीटर प्राप्त हुई। यह भाजक व भाज्य दोनों एक पदी है और इससे भागफल भी एक पदी ही है। यह इस प्रश्न का हल है। प्रश्न 3, बहुपद 18x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए। हल, 18x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग करने के लिए हम इसे निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं, जैसे 18x की घात 2 धन 9x बटा 3x बराबर 18x की घात 2 बटा 3x धन 9x बटा 3x बराबर। संख्याओं को संख्याओं से जब हम काटेंगे तो हमें 18 बटा 3 6 प्राप्त हुआ, और x की घात को जब x से भाग करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, धन यहाँ पे 9x को 3x से भाग करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। इस तरह से 6x धन 3 जो है इस प्रश्न का हल है। करके देखें, पहला 2x की घात 3 धन 12x धन 6 को 2x से भाग दीजिए। दूसरा, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तीसरा, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x वर्ग वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौथा, 4x वर्ग धन 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।